सूरत के उत्तर विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश भाई काछड़िया सेक्स क्लिप मामले में की शिकायत दर्ज, सीडी के बदले की 3.5 करोड़ की मांग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर 160 विधानसभा के उम्मीदवार दिनेश भाई काछड़िया। हाँ नमस्कार। तीन चार महीने से ये वीडियो की बात हमारे तक आ रही थी, सबने एक ही मन बनाया था कि इसको डिस्टर्ब करें और 3.5-4.5 करोड़ अगर मिल जाए तो हम अपना काम बना ले। मेरी बढ़ती हुई राजनीति सबके लिए खतरा समान हो रही थी। 2 साल का मेरा पीरियड है काउंसिलर का, वो उस टाइम मैंने इतना काम किया है, 2 साल किसी का करप्शन नहीं किया, सबका काम किया है, किसी तरह से मैं टूटा नहीं हूँ। तो लास्ट में ये सब आयोजन किया है, उसको मालूम था। 6 महीने पहले मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई है कि मैं विधानसभा लड़ने वाला ही हूँ। तो ये 8-10 दिन से तो इतना परेशानी थी जब से फॉर्म भरा है तब से, लेकिन हम टूटने वालों में से नहीं, हम झुकने वालों में से नहीं, जो करना है उसको कर ले। वीडियो वायरल किया 8 तारीख को, हमने तुरंत जाके FIR कर दी। जिस लोगों ने हमको 3-4 महीने में डिस्टर्ब किया था, जिसका कॉल आ रहा था, जिसने सेटलमेंट की बात की थी, 13 लोग है, सभी का नाम हमने डाला है FIR में। अभी हमको पूरा भरोसा है पुलिस तंत्र पर, CP साहब पे पूरा भरोसा है, क्राइम ब्रांच पे पूरा भरोसा है। जब से ये हादसा हुआ है 3-4 महीने से, जब से हमको कॉल आया था पहला, उसी दिन से हम CP साहब की मदद ले रहे हैं। वो उस पर काम चल रहा था, हम राह देख रहे थे कि भाई मतदान हो जाने दे, बाद में इसका केस करेंगे, FIR करेंगे। बाकी FIR तो हमारी तैयारी थी, तो हमने तो मन बना ही लिया था कि ऐसा कुछ भी होवे तो हम सेटलमेंट करने वाले हैं नहीं, जो जिसको करना है कर ले। हम हिम्मत से बाहर आए, हमारे विस्तार के लोगों ने हमको हिम्मत दी, विधानसभा के लोगों ने हिम्मत दी, हमारे मित्र सर्कल ने हिम्मत दी, जो हमारे साथ काम कर रहे थे ये इलेक्शन में, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। और मेरा परिवार की बात करूँ तो मेरी वाइफ भी साथ थी, दोनों लड़के भी साथ थे, और मेरा एक बड़ा लड़का है, उसकी शादी करी है, वो बच्चे भी हमारे साथ खंभे खंभा मिला के बोला है कि पिताजी डरो मत, आप इलेक्शन का मालूम है, आपके ऊपर सब कुछ लगेगा ऐसा बदनामी का, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको आगे जाना है, लोगों का काम करना है। इसी वजह से आज मैं खड़ा हूँ, हमने FIR भी कर दी है, आगे की कार्यवाही पुलिस तंत्र जो भी करेगी, हमको विश्वास है जो करे, जो गुनहगार है उसको छोड़ना नहीं है। हमको 3-4 महीने से परेशानी हो रही है, हर एक पल हम मर रहे थे। आदमी एक बार मरता है, हम तो 4 महीने से हर एक पल पे मर रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि इतना तकलीफ पड़ेगी, ये तो हो गया हमको तब मालूम पड़ा। मतदान के कुछ ही समय पहले ये वीडियो वायरल हुआ, तो आपको जब इतने समय से पता था, जब आपने एक्शन लिया? मैंने एक्शन इसलिए नहीं ली कि धमकी देने वाला धमकी देता रहता है, धमकियों से हम डरने वाला नहीं। हमको मालूम था 2 साल से जब पार्षद बने तब कि कुछ भी हमारे साथ ऐसा करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे हमको परेशानी आएगी, लेकिन ऐसी परेशानियों से हम डरने वाले नहीं। जब मेरा फैमिली साथ है हमको किसका डर है? आपको लगता है इसमें कोई? जो भी है क्राइम ब्रांच तपास कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यक्ति इसमें शामिल है किसी एक को नहीं छोड़ना है, मेरे परिवार का कोई लोग होगा तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे इस किस्से में, क्योंकि मेरी राजनीति की बात है, मेरा करियर की बात है, मेरा फैमिली डिस्टर्ब करने की बात है, मेरा जो विधानसभा के लोग जो मेरे साथ है उसको डिस्टर्ब करने की बात है, इसलिए किसी को छोड़ने की बात ही नहीं है केस में। आपको